Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Flutter development course. And in this video हम बात करने वाले हैं providers के बारे में. Okay, so in the last video हमने state management के बारे में study किया था and हमने ये observe किया था कि providers Flutter की recommended approach है state management को handle करने के लिए. So we are gonna study about them. So simply search providers Flutter and आपको ये pub.dev का official package दिखाई देगा. If you click on it ना, यहाँ पर आपको प्रोवाइडर की डॉक्यूमेंटेशन दिखाई देगी एंड यू विल सी इट इज़ वन ऑफ द फ्लटर्स फेवरेट पैकेज एंड आफ्टर दैट नीचे आपको इसका यूसेज भी दिखाई दिया जाएगा. सो इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस पैकेज एंड एक्चुअली प्रोवाइडर बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, विच मीन्स वो इतना ज़्यादा एक्सपांडेड टॉपिक है कि आप अगर सीखते चले जाओ देन स्टिल ये कभी ख़त्म नहीं होता. बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसे जितना सिंपली समझ सके उतना समझ ले एंड आप बाद में इस पर मास्टरी कर सकते हो. इट विल टेक सम टाइम. सो नाउ हियर हमें सबसे पहले पैकेज चाहिए. सो मैं इस पैकेज को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड नाउ जस्ट ओपन योर विजुअल स्टूडियो कोड एंड सिंपली इन दिस pubsec.yml मेन प्रोवाइडर को पेस्ट करने वाला जो भी मैंने कॉपी किया है एंड इसके इंडेंटेशन इस फ्लटर की इंडेंटेशन के सिमिलर होनी चाहिए. फॉर मैनेजिंग स्टेट एंड सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड फ्लटर कुछ पबगेट रन करेगा. सो वो सारे नेसेसरी पैकेजेस आपके लिए डाउनलोड कर लेगा. नाउ एक बार अगर आपके पैकेजेस डाउनलोड हो गए, सिंपली मूव टू आर प्रोडक्ट कार्ड एंड फॉर नाउ हम लोग इस ऑन टैप को हटाने वाले बिकॉज हमें इस ऑन टैप की अब कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर गोना यूज प्रोवाइडर्स इंस्टेड ऑफ दिस. एंड जहाँ जहाँ पे ऑन टैप का वर्क है मैं उसे कमेंट आउट कर रहा हूँ. ओके, सो सिंपली हियर टू एंड आफ्टर दैट यू विल सी यहाँ पे भी एक एरर है शॉपिंग कार्ट में एंड टैप जैसा कुछ नहीं है. एंड नाउ हियर ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स में, सो सिंपली यहाँ पे भी हमारे पास ऑन टैप जैसा कुछ नहीं है. सो लेट मी कमेंट दिस वन आउट एंड आई एम प्रेसिंग कंट्रोल सेव एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन ऐड ना, यू विल सी इसका काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है. नाउ ये जो काउंट इंक्रीजिंग का वर्क है हम लोग प्रोवाइडर की हेल्प से करने वाले हैं. सो जनरली प्रोवाइडर के अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज चेंज नोटिफायर, अनदर इज कॉल्ड एज चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर. नाउ वाइल क्रिएटिंग देम हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे. सो सबसे पहला क्रिएट करते हैं विच इज़ चेंज नोटिफायर. सो एक्चुअली मैं जब चेंज नोटिफायर्स बनाता हूँ मैं उन्हें एक सेपरेट क्लास में बनाना प्रीफर करता हूँ. सो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन लिब एंड मैं एक्चुअली एक फोल्डर बनाता हूँ जिसे मैं सिंपली नेम देता हूँ प्रोवाइडर. एंड इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ सिंपली एंड लेट्स से इसका नेम रख लेते हैं फॉर नाउ डेटा प्रोवाइडर, विच मीन्स ये हमें डेटा देने वाली है. इसकी वजह से मैंने नाम इसका डेटा प्रोवाइडर रखा है. आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. एंड ये क्लास होगी, सो सिंपली क्लास एंड इसका नेम मैं रख रहा हूँ डेटा प्रोवाइडर सेम एज द फाइल्स नेम. एंड ये एक्सटेंड करेगी चेंज नोटिफायर को. सो यू विल सी यहाँ पे चेंज नोटिफायर जैसा कुछ है. सो सिंपली यूज इट एंड दैट्स इट. हमारा चेंज नोटिफायर बन चुका है बट अब हमें इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो जो हम चाहते हैं. सो फॉर नाउ मुझे सिर्फ यहाँ पे आइटम काउंट शो कराना है. सो फॉर दैट मैं एक इंटीजर से काम चला सकता हूँ. सो आई एम जस्ट सिंपली कॉलिंग इट आइटम काउंट इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है. एंड यहाँ पे मैं एक्चुअली दो फंक्शंस बनाने वाला हूँ, एक का नेम रख लेता हूँ इंक्रीमेंट काउंट और एक का डिक्रीमेंट काउंट. सो मैंने सिंपली यहाँ पे दो फंक्शंस बना दिए है, कॉल व्हेन आइटम इज एडेड एंड कॉल व्हेन आइटम इज रिमूव्ड. अब हम इनके अंदर कुछ कोड्स करेंगे. सो इनके कोड्स में सबसे पहले मैं आइटम काउंट को इंक्रीज करूँगा बिकॉज यहाँ पे आइटम ऐड हुई है. सो सिंपली आइटम काउंट प्लस प्लस एंड इस केस में मैं आइटम काउंट को माइनस करने वाला हूँ. सो माइनस माइनस आइटम काउंट विच सिंपली मीन्स जो भी उसकी करंट वैल्यू है उसे माइनस वन कर दो. एंड आफ्टर दैट इतना करने से हमारा काम नहीं होता. चेंज नोटिफायर के अंदर एक थिंग होती है जिसे कहते हैं नोटिफाई लिसनर्स. ओके, जब भी किसी वैल्यू के अंदर चेंजेस होती है हमें नोटिफाई लिसनर्स को कॉल करना पड़ता है. एंड ये प्रोवाइडर की जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू यूज़ हो रही है या जो वैल्यूज यूज़ हो रही है उन्हें अपडेट कर देता है. इट इज़ सिमिलर टू सेट स्टेट. ओके, सो नाउ सिंपली कॉल नोटिफाई लिसनर्स. अगर आप चेंजेस देखना चाहते हो, अगर आप नोटिफाई लिसनर्स कॉल नहीं करोगे ना चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. नाउ चेंज नोटिफायर बनाया है जिसके अंदर हमने वो ऑब्जेक्ट एज वेल एज उसके कुछ फंक्शंस बना के रखते हैं. अब हमें इस चेंज नोटिफायर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट हम उसे यूज़ कर सकते हैं. सो सेकेंड स्टेप इज़ क्रिएटिंग अ चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर. सो जो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर है मैं ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर बना रहा हूँ. नाउ द क्वेश्चन कम्स यहाँ पे ही क्यों?
द रीज़न इज हमें चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर एज अ पेरेंट चाहिए जिस भी विजेट के अंदर हम उसका यूज करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 वाले आइकन है ना आइटम काउंट लेबल, सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग उस काउंट को शो करा रहे हैं. नाउ एक्चुअली मैं इसका पेरेंट भी बना सकता हूँ पर स्टिल देयर विल बी एन इशू कि हमें प्रोडक्ट कार्ड, जब हम लोग प्रोडक्ट कार्ड को पास कर रहे हैं ना हमें इनका भी पेरेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हम उन फंक्शंस को कॉल करेंगे जब आइटम ऐड या रिमूव होगी. सो इन दोनों का मुझे वो पेरेंट चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू इज ये जो भी स्कैफोल्ड है ना इसे मैं सिंपली रैप कर देता हूँ चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से. सो रैप विथ विजेट चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर यू विल सी अ ऑप्शन हियर. नाउ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं क्रिएट एंड ये एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है. सो सिंपली पास अ कॉन्टेक्स्ट हियर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें वो हमारा प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो सिंस हमने एक डेटा प्रोवाइडर बनाया है मैं उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. सो डेटा प्रोवाइडर एंड एक्चुअली एज आई सेड मैं रिलेटिव इम्पोर्ट्स प्रीफर करता हूँ. सो सिंपली कंट्रोल प्लस डॉट एंड इम्पोर्ट डेटा प्रोवाइडर एंड दैट्स इट. अब इसके अंदर जो भी विजेट्स है वो हमारे डेटा प्रोवाइडर के इस आइटम काउंट को एक्सेस कर सकता है बट उससे पहले हमें एक लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर. नाउ एज इट नेम सजेस्ट कंज्यूमर वो होता है जो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता है या यूज़ करता है. ओके सो ये जनरली मेरा स्कैफोल्ड एज अ कंज्यूमर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके नीचे जितनी भी विजेट्स है सबके पास वो डेटा पहुंचना चाहिए. सो मैं इसे सिंपली रैप करूंगा. सो कंट्रोल शिफ्ट आर एंड रैप विथ विजेट एंड दिस टाइम मैं इसे कंज्यूमर से रैप करूंगा. एंड नाउ यहाँ पे मैं कंज्यूमर का टाइप भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ विच मीन्स ये जो भी मेरा डेटा प्रोवाइडर है. ओके इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप टाइप स्पेसिफाई करो. नाउ ये मुझे एरर देगा आपने कंज्यूमर तो बना लिया, कंज्यूमर को एक फंक्शन चाहिए होता है एंड उस फंक्शन का एज अ बिल्डर नेम होता है. सो सबसे पहले मैं स्कैफोल्ड को थोड़ा सा कट कर लेता हूँ यहाँ से. सो टिल आई थिंक स्कैफोल्ड यहाँ तक है. सो मैं इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं बिल्डर का यूज़ करूँगा. सो सिंपली बिल्डर एंड नाउ यहाँ पे अगर मैं दो पैरेंथेसिस डालूंगा ना इट विल सजेस्ट मी कि आपके कंज्यूमर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं. सो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो. लेट्स से मैं अपर वाला यूज़ कर रहा हूँ एंड लेट्स से मैं एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस रिमूव कर देता हूँ यहाँ से एंड सिंपली पेस्ट दोज कोड्स हियर एंड दैट्स इट. हमने कंज्यूमर भी बना लिया है. ओके सिर्फ यहाँ पे एक बिल्डर एट्रीब्यूट है चाइल्ड की जगह पे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स एक्स्ट्रा है कॉन्टेक्स्ट वैल्यू एंड चाइल्ड. नाउ इसमें से वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सिंपली नाउ जहाँ पे भी ये आइटम है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट से लेंथ यूज़ कर रहे थे. सो फॉर नाउ मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड इसके नीचे ही मैं इन कोड्स को लिखने वाला हूँ. ओके सो यहाँ पे मैं वो वैल्यू यूज़ करूँगा. सो सिंपली मेरी जो वैल्यू है वो है उस वैल्यू की आइटम. सो सिंपली वैल्यू डॉट आइटम काउंट एंड यू विल सी मुझे आइटम काउंट मिल रहा है सिंपली बाय यूजिंग दिस वैल्यू फ्रॉम दिस प्रोवाइडर. लेट्स से अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा कोलैप्स कर दूंगा ना इट विल बी मच सिंपलर फॉर यू. नाउ ये वैल्यू विच इज़ आर डेटा प्रोवाइडर्स ऑब्जेक्ट ये हमें यहाँ पे सिंपली आइटम काउंट प्रोवाइड करके दे रहा है. नाउ ये प्रोवाइडर को एक स्क्रीन में कैसे यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल है. वेयर इज नाउ व्हाट वी वांट जब यहाँ पे नीचे हमारा प्रोडक्ट कार्ड में कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट ऐड हो रही है हम इस कार्ड के अंदर उन फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं उन प्रोवाइडर्स के. सो ये जो कोर्स है जनरली हम लोग बिल्ड फंक्शन के अंदर करते हैं. सो जब हम एक प्रोवाइडर का पेरेंट क्रिएट करते हैं जनरली उसके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनके पास प्रोवाइडर का डेटा पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट. सो जहां जहां पे ये कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा होगा इस पर्टिकुलर स्क्रीन का एड प्रोडक्ट स्क्रीन वाली जो विजेट है वो जितने भी विजेट्स को कॉल कर रही होगी उन सबके पास उनका कॉन्टेक्स्ट जा रहा होगा एंड थ्रू दैट कॉन्टेक्स्ट हम लोग प्रोवाइडर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. सो सिंपली डेटा प्रोवाइडर बिकॉज मैं जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप डेटा प्रोवाइडर चाहता हूँ इट विल शो मी कि आपको इसे इम्पोर्ट कर लेना चाहिए. सो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं लेट्स से डेटा इज इक्वल टू ना हमें कॉन्टेक्स्ट की मदद से उस प्रोवाइडर का डेटा लेना पड़ेगा. सो वी कैन राइट प्रोवाइडर एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोवाइडर बट मुझे नीचे वाला चाहिए प्रोवाइडर डॉट एंड यहाँ पे एक ऑफ करके कुछ है. सो यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी प्रोवाइडर है हमें उसका डेटा मिल जाएगा. और अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि हमें सिर्फ डेटा प्रोवाइडर चाहिए सो यहाँ पे अगर आप डेटा प्रोवाइडर स्पेसिफाई कर दोगे तो फिर सिर्फ उसका डेटा मिलेगा ना हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हमें जहाँ चाहिए. सो सिंपली व्हाट वी वॉन्ट
जब भी एक आइटम ऐड होती है या आइटम रिमूव होती है वो रिस्पेक्टिव थिंग शो होनी चाहिए. सो यहाँ पे आइटम रिमूव हो रही है सो हमें काउंट डिक्रीज करना है. सो सिंपली डेटा डॉट डिक्रीमेंट काउंट एंड सिंपली दो पैरेंथिसिस एंड एक सेमी कोलन एंड आफ्टर दैट हियर डेटा डॉट इंक्रीमेंट काउंट एंड सिंपली दो पैरेंथिसिस और एक सेमी कोलन एंड नाउ सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस सेव एंड मैं एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ. एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस एड बटन यू विल सी यहाँ का काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है. ओके एंड अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो काउंट डिक्रीमेंट भी हो रहा है. सो सिमिलरली आप ऐसे प्रोवाइडर्स का यूज़ कर सकते हो. जनरली आपको तीन थिंग्स का ध्यान देना पड़ता है. द फर्स्ट इज दिस वन चेंज नोटिफायर. सो आप एक ऐसी क्लास बना लो जिसके अंदर आप उन ऑब्जेक्ट्स एंड उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस को रख रहे हो विथ नोटिफाई लिसनर्स एंड आफ्टर दैट आप उसका एक चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर बना दो. ओके एंड वो एज अ पेरेंट होना चाहिए जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हो. आफ्टर दैट आप ऐसे कंज्यूमर्स का यूज़ कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई दूसरी स्क्रीन के अंदर उसे एक्सेस करना है आप सिंपली उसे ऐसे यूज़ कर सकते हो. जहाँ जहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट जा रहा है सिंपली यूज़ प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड आपको उसका रिस्पेक्टिव डेटा मिल जाएगा. सो नाउ दिस इज़ अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ प्रोवाइडर. प्रोवाइडर अपने आप में एज आई सेड इट्स अ प्रीटी लॉन्ग एंड प्रीटी अमेजिंग टॉपिक. सो आई विल सजेस्ट कि आप उसे एक बार अच्छे से चेक करो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. एंड आफ्टर दैट प्रोवाइडर्स के अलावा भी बहुत सारी अप्रोचेस है स्टेट मैनेजमेंट के लिए. सो आप उन्हें भी एक बार चेक कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.